वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग जॉब सीकर। दोस्तों मैं अपने लिंक्डइन पे स्क्रॉल डाउन कर रहा था और मुझे वहाँ पे एक पोस्ट मिली और इस पोस्ट में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो सही तरीके से अप्लाई कीजिए। आपको एक ईमेल सेंड करना होगा, आपका रिज्यूमे सेंड करना होगा उस ईमेल पे। तो दोस्तों आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको सारी डिटेल अब इसके आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए। दोस्तों अगर आपने बीटेक किया है, बीए किया है और डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए बैच एलिजिबिलिटी है दोस्तों 2018-19 और 20 पास आउट स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका रोल रहेगा दोस्तों डिज़ाइन इंजीनियर का। अगर आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लोकेशन इसका रहेगा दोस्तों पुणे में और ये जॉब ऑन रोल है दोस्तों, ऑन रोल क्योंकि दोस्तों ऑन रोल जॉब यहाँ इस समय में इस परिस्थिति में मिलना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों, और आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑन रोल जॉब करने की। दोस्तों उसके बाद सैलरी देखते हैं, सैलरी आपको मिलने वाली है 1.44 से 3 लाख पर एनम। बहुत ही बढ़िया सैलरी है दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में टिके रहोगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी सैलरी इंक्रीज करने में। और रोल भी बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसे काम करने की जरूरत नहीं, आपका कंप्यूटर पे काम रहेगा और बहुत ही बढ़िया काम इस जॉब में होने वाला है दोस्तों। तो आपको नॉलेज क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हैंड्स ऑन कटिया एंड ऑटोकैड, आपको कटिया और ऑटोकैड आना ही चाहिए तभी आप इस जॉब को कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको GDNT का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस इसका नॉलेज होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको शीट मेटल और प्लास्टिक मटेरियल्स का नॉलेज होना जरूरी है, और आपको 2D डिटेल्स 3D मॉडलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और आपको डिज़ाइन नॉलेज, ये सब कुछ आपको रहना चाहिए तभी आप इस जॉब को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई कैसा करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। rohitsane062@gmail.com इस पे आपको आपका रिज्यूमे सेंड करना है। रिज्यूमे में लिखिए दोस्तों, आप पोस्ट का नेम लिखिए, डिज़ाइन इंजीनियर फ्रेशर ऐसा लिखिए। अगर आप ऐसे रिज्यूमे सेंड कर देते हो तो रिक्रूटमेंट करते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये रिज्यूमे किस लिए आया है, तो आप पोस्ट का नाम भी लिखिए और फिर रिज्यूमे को सेंड कीजिए। दोस्तों इस पोस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे जा सकते हो और मुझे भी कमेंट कर सकते हो। और आपको ये जीमेल जो लिखा हुआ है दोस्तों वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यह था पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसके अप्लाई करने के बाद आपसे कोई पैसे मांगता है तो दोस्तों प्लीज़ आप प्लीज़ पे मत कीजिए, यह फ्रॉड भी हो सकता है और मैं आपको वेरीफाई करके ही जॉब देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चांसेस रहते हैं ऐसे जॉब में फ्रॉड होने के। तो आप वेरीफाई कीजिए फर्स्ट टाइम, अगर पैसे मांगते हैं तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए दोस्तों। और मैं अपने हर एक वीडियो को डिस्क्लेमर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए मेरा हर एक वीडियो का, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दोस्तों कि फ्रॉड जॉब से दूर रहिए और यहाँ पे कोई भी फ्रॉड जॉब्स यहाँ पे अलो नहीं करता मेरे चैनल पे। और ये मुझे स्क्रॉल डाउन करते करते ये पोस्ट दिखी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा ये काम है, मेरा ये कर्तव्य है आपको शेयर करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए खोला है दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही न्यू जॉब्स पोस्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ यही मेरे आपके आपसे एक साथ रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।